जब आज ये सम्मेलन हो रहा है, ऐतिहासिक मैदान में हो रहा है और ये सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक है, तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उम्मीद करेंगे कि आज कोई नारा और संकल्प दे करके, जिससे कि जितने भी कार्यकर्ता हम जैसे आए हैं पूरी तरह शिद्दत के साथ लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार को हटाने का काम करें। आज हमें याद आ रहे हैं आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी, सम्मेलन हो रहा था और उन्होंने एक क्षण में नारा दिया था, बोल किसानों हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल। आज वो हमारे नहीं हैं, लेकिन उनके विचारधारा और उनकी जो मान्यताएं हैं आज हैं। आज ये सम्मेलन ऐसे सख्त में हो रहा है कि महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और संविधान पे खतरा है, लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं आज खत्म हो रहा है। आज ये सम्मेलन ऐसे समय पे हो रहा है कि हमारे जनपद के पड़ोस में एक 22 वर्षीय देव नारायण यादव को 14 सितंबर को पुलिस ने दिन दहाड़े 3 और 4 बजे उसको हत्या कर दी है। आज ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब खीरी लखीमपुर में हमारी दो बेटियों को, दलित बिरादरी की दो बेटियों को, उनके साथ लोगों ने मुंह भी काला किया और उनको जान से मार दिया और मार कर टांग दिया है। आज ये सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है, सरकारें इकबाल से चलती हैं, लेकिन ये जोगी बाबा की सरकार जो है इनका कोई इकबाल नहीं है। आज जितने जो है अपराधी हैं खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, इनका संरक्षण जो है सरकारी है, अधिकारी इनके साथ हैं, इसलिए देश बर्बाद हो रहा है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तमाम नेताओं से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो सदस्यता है उस सदस्यता को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी अपनी विचारधारा और निर्देश भी दिया है कि हमें इसको बढ़ाना है और इस तरह से करना है कि हमारे जितने बूथ हैं कम से कम एक बूथ पर एक सक्रिय सदस्य हर हालत में हो जाए, ये तय करके जाना है और निश्चित तौर से ये मान करके संकल्प लेकर जाना है कि हमें इस देश से जालिम सरकार को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बनाना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और डॉक्टर राम रोहिया का जो सपना और चौधरी चरण सिंह का जिस तरह के हिंदुस्तान बनाने का सपना था, उस हिंदुस्तान को बनाने के लिए आज मन में संकल्प लेकर के ही आप इस सम्मेलन में जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी तादाद में और बहुत ही अनुशासित ढंग से आए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल आपने नरेश उत्तम जी को इस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए नरेश उत्तम जी को बधाई देते हैं। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने सर्वसम्मत से आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप कर देश और प्रदेश में एक ऐसा संदेश दिया है कि आज हिंदुस्तान में अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी के विचारों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो मशाल जलाया था उस मशाल को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव करेंगे। हम कामना करते हैं कि एक बहुत ही सफलतापूर्वक इस देश को बचाने में आप कामयाब रहेंगे, यही मेरी कामना है, यही मेरी आशीर्वाद है। और इसी की उम्मीद के साथ आज मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस देश में जो परिवर्तन की लहर चलेगी वो लहर आपके साथ तेजी से चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।